नमस्कार दोस्तों आजाद लाक्षा चल में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई लोग दम बढ़े होंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ खास टिक्स के विषय में जानने वाले हैं वो क्या दोस्तों अभी तक आपके मोबाइल फ़ोन सेल फोन स्मार्टफोन जो होते थे उसमें आपको तीन बटन दिए जाते हैं एक्सटर्नल जैसे कि वॉल्यूम का प्लस माइनस का बटन और आपका पावर बटन अभी आपसे पूछने वाला हूँ कि वॉल्यूम बटन से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम करते हैं आप कहेंगे कि प्लस माइनस के दोनों बटन से क्या किया जा सकता है केवल आवाज़ ज़्यादा या कम करी जा सकती है बिल्कुल दोस्तों यही फ़ोन में काम ही होता है उन बटन का लेकिन आज हम इस ट्रिक में जानने वाले हैं कि उस वॉल्यूम और माइनस के बटन से कुछ खास ट्रिक दोस्तों और बहुत अच्छे तरीके से आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि किसी को पता भी नहीं चलेगा जिसे स्मार्ट ट्रिक कहा करते हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों हम नमूना देख लेते हैं इस ट्रिक का और हम यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन करते हैं और व्हाट्सएप हम ओपन कर लेते हैं और व्हाट्सएप ओपन भी हो गया यहाँ पे साथ ही साथ एक इमेजेस आ रही है जिस पर कि मैं टच करता हूँ लेकिन वाट्सएप नहीं ओपन हो पा रहा है व्हाट्सएप ऐप ख़राब है व्हाट्सएप खराब है और मैं फिर इसे इस बैक करता हूँ फिर से व्हाट्सअप ओपन करने की कोशिश करता हूँ ये इमेज़ फिर पता नहीं कहाँ से आ जाइए दोस्तों तो अगर आप किसी फ्रेंड को देते हैं या फ्रेंड आपका डायरेक्ट फ़ोन में वाट्सएप या फेसबुक खोलने की कोशिश करता है ना तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा उससे लगता है कि सही में ही ख़राब हो गया है क्या अदरवाइज़ आप आ जाते फेसबुक चलिए हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि उंगली बाज़ फ्रेंड तो होते ही हैं उनकी उंगली करना काम है तो चलिए यहाँ पे हम एक बार फ़ेसबुक ओपन करते हैं यहाँ पे मैं फ़ेसबुक ओपन करता हूँ दोस्तों और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा फ़ेसबुक ख़राब है तो दोस्तों ये गज़ब के ट्रिक है अगर आप अपने दोस्तों के आगे आज़माते हैं फ़ोन अपने दोस्तों को देते हैं तो वो ओपन करके देखेंगे और इस तरीके की जो आप ट्रिक कर रहे हैं इसके विषय में ज़रूर पूछना चाहेंगे वो आपसे आप कैसे अनलॉक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप इसे प्लस एंड माइनस का बटन दबाएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा ये तो कि कैसे किया है हमने कुछ खास ट्रिक के साथ तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा दोस्तों तो चलिए हम जान लेते हैं मैंने कैसे किया ये तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई इस एप्लीकेशन की वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो चलिए मैं एक बार इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और ये नॉर्मल सा ओपन होता है और यहाँ पर मैं ये एप्लीकेशन बड़ा काम का दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका नाम है के नोट और मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करना चाहूँ टाइप हो जाएगा और लोगों को लगेगा केवल नोट पैड है और इसे सेव करके बैक हो जाएगा तो यहीं पे वो ट्रिक काम आती हैं जैसे कि मैंने इसे सेट किया है प्लस एंड माइनस के बटन पे वैसे ही ये एप्लीकेशन ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है अपने और ये ओपन हो जाता है दोस्तों तो यहाँ पे फेसबुक गैलरी फोन बुक व्हाट्सएप जो भी आप ओपन करना चाहें और उस पे पे पर वॉलपेपर लगाना चाहें वो आप बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों तो इस एप्लीकेशन को आप जब इंस्टॉल करेंगे आपसे कुछ मैनुअली परमिशन मांगता है आप वो परमिशन दे दीजिएगा उसके बाद में इस एप्लीकेशन को आपने यहाँ पे आके इनेबल कर देना है तो उसके बाद में आप कौन सा एप्लीकेशन लॉक करना चाह रहे हैं कोई भी हो गया जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे व्हाट्सएप तो यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप लॉक कर रखा मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन अमेजोन का लॉक करना चाह रहा हूँ और लॉक पे यहाँ पे क्लिक करूँगा उसके बाद भी आप वॉल जो लगाएंगे वो यहाँ पर आएंगे कस्टम पे यहाँ जैसे आप कस्टम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मैं गैलरी फ़ाइल मैनेजर के ऑप्शन आते हैं जहाँ से आप वो फ़ोटो लगा सकते हैं वो इमेजेस में आपको लिंक दे दूँगा वो डाउनलोड कर लीजिएगा वो मेरी खुद की बनाई हुई है तो आप डाउनलोड करने के बाद वो इमेजेस लगा हैं आप यहाँ से जो फोटो इमेजेस सेट करना चाहे वो कर सकते हैं ये मैंने खुद बनाए हुए हैं तो आपको ये मिलने वाले नहीं हैं गूगल पे सर्च करेंगे तो इससे बेटर मैं आपको लिंक दे दूँगा आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो दोस्तों बड़ा ही मज़ेदार ट्रिक है जो आपकी सोच भी नहीं सकते कि वॉल्यूम बटन से और भी काम हो सकते हैं तो आप इस तरीके की स्मार्ट ट्रिक कर सकते हैं दोस्तों और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम आज़ाद के साथ तब तक के लिए जय हिंद भाइयों